नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नया व्यंजन सिखाऊंगी, पर उससे पहले हम एक कहानी सुनेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आप अपनी एक बांह को अपनी दूसरी बांह पर रखिए, अपनी कमर को सीधा कीजिए और अच्छे से बैठ जाइए। क्या आप तैयार हैं? बहुत अच्छे। एक बार एक नदी के किनारे एक कछुआ रहता था और एक पेड़ पर एक कोयल और कौवा रहता था। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत मस्ती करते थे। एक दिन नदी के किनारे एक बड़े कान वाला आदमी आया। उसने कोयल और कौवा को पेड़ पर बैठा देखा। उसने जमीन से एक कंकड़ उठाया और कौवा और कोयल को मारने के लिए उनकी तरफ फेंका। कोयल और कौवा डर गए और अपना पेड़ छोड़कर भाग गए। अब कछुआ अकेला रहने लगा, उदास रहने लगा। वो रोज उदास रहता था। एक दिन कछुआ के कान में एक ध्वनि सुनाई दी, क क क। कछुआ ने इधर देखा उधर देखा। उसने क्या देखा? उसके मित्र पेड़ पर बैठे थे और गाना गा रहे थे। कछुआ बहुत खुश हुआ। अब उन तीनों ने मिलकर गाना गाया, क क क, और तीनों खुशी से रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको इस कहानी में कोई एक ध्वनि सुनाई दी जो बार बार आ रही थी? क्या आप उसे पकड़ पाए कि वह कौन सी ध्वनि थी? आपने क्या कहा? क। बहुत अच्छे। कहानी में जो हमें ध्वनि सुनाई दे रही थी वो थी क। अब आज आपका क्या गृह कार्य है? आज आप अपने माता पिता की सहायता से अपने घर में पूरा घूमेंगे और क से शुरू होने वाली और चीजों के बारे में लिखेंगे। आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे क से करण, क से कशिश, क से किरण। हमारी फैमिली में बहुत सारे नेम होते हैं ना, हम उन्हें ढूंढेंगे और अपने माता पिता की सहायता से कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपनी अध्यापिका को भेजेंगे। धन्यवाद।